लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये बात मंडी जिले की होनहार बेटी संगीता पर ठीक बैठती है। संगीता ने हर मुश्किल का डटकर सामना किया और कभी अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी। परिवार की माली हालत भी संगीता की राह नहीं रोक पाई और अपनी कड़ी मेहनत के दम पर आज उन्होंने कॉलेज कैडर में सहायक आचार्य के पद पर नियुक्ति हासिल की है। उनके माता पिता मेलों में चूड़ियां बेचने का काम किया करते थे और संगीता भी उनके साथ चूड़ियां बेचा करती थी। चूड़ियां बेचकर उन्होंने अपना भविष्य संवारा है और आज वे इस पद पर आसीन हो चुकी हैं, जहां से वे हजारों बच्चों का भविष्य संवारेंगी। संगीता इस समय हिंदी विषय में पीएचडी की पढ़ाई कर रही हैं। उस समय की बात है जब मैं क्लास 7th में थी, जब मेरे पिताजी जॉब लगे। उसके बाद जो संघर्ष का दौर चला, वो वहाँ पे नौकरी जो करते थे पिताजी, वो तो लगभग नाममात्र की ही थी कि वेतन। 3 भाई बहन हम, उनकी पढ़ाई लिखाई, बाहर रहना, सब कुछ जो खर्चा था वो बहुत मुश्किल हो गया था। इवन हमारी फीस के लिए भी दिक्कत आती थी। तो ऐसी स्थिति में मम्मी पापा ने ये सोचा कि हम छोटे छोटे मेले लगाएं या किसी तरह से गुजर बसर किया जाए, उसके लिए कुछ साधन ढूँढे। तो एक वक्त पे मेरी माता जी ने, जब मैं +1 +2 में थी, तो मम्मी ने गांव-गांव जाकर जो है पीठ पे उठा के सब्जियां बेची। उसके बाद मेले लगाए, छोटे छोटे जो आसपास के मेले होते थे वहाँ पे खिलौने भी बेचते थे, चूड़ियाँ बेचते थे, जो भी ये सामान रहता था। इस तरह के काम करके जो है हमें पढ़ाया। संगीता के पिता हरवंश लाल ग्राम रोजगार सेवक के पद पर कार्यरत हैं और पिछले कुछ समय से कैंसर की बीमारी से जूझ रहे हैं। संगीता ने ना केवल खुद पढ़ाई की बल्कि अपने छोटे भाई बहन को भी सही मार्गदर्शन प्रदान किया है। उनके माता पिता ने बच्चों का जीवन संवारने के लिए कड़ी मेहनत की है और संगीता ने अपने परिवार के सपनों को साकार किया है। कंटिन्यू इलाज चलता रहा, लेकिन आखिरी दौर हम कैंसर तक पिताजी पहुंच गए और अभी भी कैंसर की बीमारी से जूझ रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि वो जो परिस्थितियां ठीक होने को थी, वहाँ एक और घटना जो है घटी, परिवार के बीच में एक और बड़ी समस्या आई जिससे अभी भी हम जूझ रहे हैं। लेकिन मेरे माँ बाप ने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने उस हौसले को बनाए रखा। एक विश्वास जो माँ बाप का था वो कायम रहा और निश्चित तौर पर मेरे माता पिता जी का जो संघर्ष है वो इस आज इस मुकाम तक पहुँचने का सबसे बड़ा जरिया रहा या सबसे बड़ा प्रोत्साहन रहा। संगीता की कामयाबी पर इलाके में खुशी का माहौल है और मंडी जिले के सभी नेताओं ने उन्हें बधाई दी है। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मंडी से DD News के लिए वीरेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट।